सियासी खबरों में आज का दिन दारा सिंह चौहान के नाम रहा, लेकिन कल जिनके नाम यह दिन रहा था वो आज एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। जी हां, कल तक मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, आज उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया। जी हां, कल तक मंत्री रहने वाले योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, बड़ा नाम कल तक सरकार में थे, लेकिन आज जैसे ही सरकार से अलग हुए हैं वैसे ही उनके नाम पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। सुल्तानपुर के कोर्ट से उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि धार्मिक भावनाएं भड़काने का एक आरोप जो कि 2014 पर उन पर लगा था और तब से कोर्ट में मामला चल रहा है, जिसके बाद 24 जनवरी तक अब हाजिर होने के लिए उनसे कहा गया है। अगर 24 जनवरी तक वो हाजिर नहीं होते हैं तो इसके बाद उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। आपको बता रहे हैं कि 2014 में उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन पर कोर्ट में केस चल रहा है। उन्होंने, अगर सीधे तौर पर बताऊं तो उन्होंने कहा था कि शादियों में गौरी गणेश की पूजा नहीं होनी चाहिए, ये दरअसल दलितों के खिलाफ और मनुवाद सोच को बढ़ावा देता है। आपको बता दें कि इस मामले में उन्होंने 2016 से कोर्ट से स्टे ले रखा था, जिसके बाद 6 जनवरी को, आपको बता दें कि पिछली सुनवाई 6 जनवरी को हुई थी और 12 जनवरी को यानी आज उन्हें कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन वो कोर्ट में हाजिर नहीं होने हुए, उनकी अलग व्यस्तताएं थी, अभी वो लखनऊ में हैं। ऐसे में एमपी एमएलए कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है, जिसके बाद अब उनको 24 जनवरी को हाजिर होने के लिए कहा गया है। अगर 24 जनवरी को हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी की बात भी सामने आ रही है। तो गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। कल तक जो सरकार में थे आज उन्हीं के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये महज एक इत्तफाक है या फिर ये कोई तीसरी तरीके की सोची समझी कोई रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन इस पर जब बातचीत करने की कोशिश की स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो उनका कहना है, उन्होंने मीडिया से सीधे तौर पर कहा है कि वो न्यायालय का सम्मान करते हैं और वो 24 जनवरी को कोर्ट में हाजिर जरूर होंगे। उन्होंने बताया कि आज वो काफी व्यस्त थे क्योंकि लखनऊ में 14 जनवरी को जिस तरीके से एक बड़ा सियासी उठापटक जो होने जा रहा है उसके मुख्य किरदार खुद स्वामी प्रसाद मौर्य व्यस्तता के कारण आज हाजिर नहीं हो सके, लेकिन उनका कहना है कि 24 जनवरी को वो जरूर हाजिर होंगे। लेकिन उससे पहले लगातार अब ये सवाल उठने लगा है कि जब नेता आदर्श आचार संहिता लगने के बाद पार्टी से दल बदलते हैं ताकि उनके खिलाफ किसी तरीके का ईडी सीबीआई इन तरह की जांचों से पीछा छुड़ाया जा सके, तो अब जब कोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है तो अब ऐसे में एक बार फिर ये सुर्खियों में आ गए हैं आज स्वामी प्रसाद मौर्य। आज आपको बता दें कि दारा सिंह चौहान ने जैसे ही पार्टी छोड़कर, बीजेपी छोड़कर जैसे ही उन्होंने सपा की ओर जाने की ओर संकेत दिए, उसी वक्त ये खबर एक बार फिर सामने आ गई कि स्वामी प्रसाद मौर्य कल तक सुर्खियों में थे और बताया जा रहा था कि 14 जनवरी को एक बड़ा उलटफेर, बड़ा सियासी घमासान छेड़ने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। लेकिन उससे पहले आज ये खबर आ गई है कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है।